85 cows died. Doctors say they had not been fed for quite some time now. Manushya bhi mahatvapurna hai aur gaay bhi mahatvapurna hai. Again, the beef brigade has taken law in its own hands in this country. Chhodne ma sana kur ja ke raat ke haran karne sutte ma upadro. Cow menace is giving a tough time to farmers across Uttar Pradesh. It is common to find herds of bulls and cows grazing in the farmlands or orchards. Newsclick reporters travelled across three cities in UP, Aligarh, Mathura and Agra, to speak with the locals and gain a better understanding of the cow phenomenon. ये जो cow shed बनाया है, ये आप लोगों ने अपने पैसे से बनाया है? हाँ, अपने पैसे से बनाया है। सरकारी कोई मदद? सरकारी कोई मदद नहीं मिली है सर। कोई मदद नहीं मिली। हाँ, हम लोगों ने किया भी, सरकार ने कुछ नहीं किया इसपे। एक भी पैसा सरकार ने आज तक दिया ही नहीं। This feature is the first segment of our two-part series, in which we will be speaking with villagers of Aligarh and Mathura to gain a better understanding of the heightening cow menace. ये समस्या जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है जब से ये समस्या बनी है इससे पहले कि ये ज़्यादा समस्या थी नहीं गायों की और सांडों की काउशेड बनाया है आप लोगों ने ये कैसे बना है क्या क्या ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए है सर कि आपके सामने है देखो सामने खेत है हमारा ये और देखो इसमें से गाय सब नुकसान कर रही हैं चारों तरफ से सरसों हुआ गेहूँ हुआ जो कुछ है चारों तरफ से परेशानी कर दी दूसरी घटना कर दी दो गाँव में तो इसलिए प्रधान के द्वारा हमने समर्थन करके इकट्ठा करके पब्लिक को और ये व्यवस्था की है अगर आपको गाय बेचनी है ज़रूरत पड़ गई तो व्यापारी कोई आपकी गाय नहीं लेगा चाहे आपकी गाय दे रही है 20 लीटर दूध क्यों कि गाय ले जाएंगे वन गौ वंश वाले और तुरंत मार देते हैं वन की गौ रक्षक में गाय ले जा रहा काटने के लिए मार दिया गाय का व्यापार भी नष्ट कर दिया मेरे गाँव में से कोई गाय खरीदने वाला पैदा नहीं है मेरे घर पर बंधी हुई है गाय अभी तक कोई व्यापारी उसे लेने के लिए तैयार नहीं है बोला ले जाएंगे रास्ते में मार देंगे हमें गौ रक्षक आतंकवाद फैला रहे हैं गौ रक्षा के नाम पे महंगाई जो चारे की बन गई है 300-400 रुपए मन भूसा आ रहा है कुटी आ रही है जिसको करप बोलते हैं ज्वार की बाजरा की तो इस वजह से लोग ज़्यादा छोड़ रहे हैं इस बात को महंगाई की वजह से गायों को ज़्यादा छोड़ रहे हैं लोग बच्चों का पालन पोषण तक नहीं हो रहा अपने बच्चों का जो गृहस्थ चलाने वाला काम है गृहस्थी का वो अपने बच्चों के लिए पालन पोषण नहीं हो रहा गायों के लिए कहाँ से कोई व्यवस्था करें महासचिव जी डीएम वगैरह एसएसपी ये सब लोग आ चुके हैं तो ये देख यहाँ पे देख चुके हैं अब देखो क्या हुआ पता नहीं है क्या इनसे क्या बातचीत हुई क्या आश्वासन दिया इन्होंने इन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया था ये इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई थी वो वैसे ही बात आपको पेंशन मिलती है आपकी लैट्रीन बन गई जो ऐसी बात करी थी की थी उन्होंने गौशाला पे कुछ नहीं कहा गौशाला पे कुछ नहीं कहा कोई सरकार की फंडिंग है आपको किसी तरह का वही सरकार पहले मेरे को नगर निगम से मिलता था उन्होंने से नगर निगम से 2,60,000 रुपए आके उन्होंने भी बंद कर लिया Stray cows, most of them unproductive, have been abandoned by their owners as maintaining them costs a bomb and is unaffordable in times of acute agrarian distress. Hassled by the influx of stray cattle, villagers have been forced to pool in money to construct temporary sheds in order to save their crop. मुझको मालूम नहीं है सरकारी तरफ से क्या आ रहा है मतलब फिलहाल प्रधान सुविधा कर रहा है प्रधान सुविधा कर रहा है अच्छा प्रधान चारा ला रहा है और प्रधानी इन्हें खवा रहा है 5 महीने से बहुत बड़े दावे ठुके हैं और 5 महीने से अभी तक किसी गौशाला के लिए पहले खेत एक्वायर किए थे पश्चर्मीन अभी तक नहीं हुए बनाना शुरू हुआ अभी तक नहीं हुआ है और जो हमारी फाइल है 3 वर्ष की फाइल रुकी पड़ी है अभी तक कोई क्या फलानी चीज़ नहीं है कभी फलानी चीज़ नहीं है सारी चीज़ों में पूरी करते लाते हैं कोई ना कोई विनय करती है जो सरकारी दावा है कि हम खोल रहे हैं गौशाला लैंड एक्वायर कर रहे हैं हम लोगों से ज़मीन मांग रहे हैं सरकार ने ये भी दावा किया है कि हम फंड भी दे रहे हैं देना शुरू कर दिया है वो ज़मीन पे धरातल पे उसकी कोई सच्चाई है या बस ऐसी ही है कि सब रजिस्टर पे चल रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है अभी तक कोई फंड नहीं आए हैं और ऐसा कोई पैसा नहीं है कि जिससे गौशाला संचालित की जा सके मेरी समझ से सब राजनीति हो रही है ये सब चुनाव को दृष्टिगत रख के गाय के नाम पर राजनीति है
Even though farmers have been driven to the wall due to widespread damage to their crops, the Chief Minister's doggedness in furthering the cause of Gauraksha, that is cow protection, without making adequate arrangements is escalating into a major row in UP. Per day, lamsam 2,500 ke lamsam mein kharcha aata hai kyunki iske liye 1200 ka lamsam chokar katta aata hai gudwin ko dete hain 4 din piche 5 din piche kyunki iske liye sardi hai to iske jukham pukam wagaira na ho to 3000 ke lamsam mein kharcha aa jata hai abhi आदमी लगा रखे यहाँ पर 9000 रुपये महीने के हिसाब से और एक आदमी और हमने कल परसों से लगा लिया है क्योंकि गाय दिन रोज बढ़ रही है। तीन आदमी का 927,000 रुपया जो महीने का खर्चा है ये कहाँ से आएगा? ये सभी ग्रामवासी देंगे। सरकार कोई एक पैसा भी नहीं दिया, एक भी पैसा सरकार ने आज तक दिया ही नहीं। उन्होंने गाय रक्षा प्रतिबंध लगा दिया कि ये कटा नहीं, साण हैं कटे नहीं, गाय हैं कटे नहीं, परंतु इस पर ध्यान ये नहीं दिया कि ये किसानों की बर्बादी करेंगे आगे चल के। भाई किसानों की बर्बादी होगी तो किसान तो गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ आदमी है, उसको फसल को ही खा जाएंगी तो क्या करेगा। ये सब चीज़ें बेईमानी है कि किसान के ऊपर डाल दिया कि तुम ही खर्चा चलाओ, और गौशाला के नाम पर गवर्नमेंट ने कह दिया गौशाला, हर ग्राम में गौशाला खुलेंगी, ये ऐसे गौशाला नहीं चल पाएगी। Predictably, UP Chief Minister Yogi Adityanath's wishes and farmers' livelihood needs do not match, which are leading to escalating tensions over the dealing of stray cows in the state, aggravated by a growing cow vigilantism. The farmers say that once their crop is harvested, they will free the stray cattle as they are not getting any funds from the government for the management and smooth functioning of the gaushalas. काम सहयोग देगा जब तक रखेंगे, काम सहयोग बंद कर देगा, सरकार सहयोग बंद कर देगी तो इसको छोड़ दिया जाएगा, फिर और क्या होगा इसका। मेरे गांव में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनके दरवाजे पर गाय की एक पूंछ नहीं मिलेगी तुम्हें, और गौ भक्ति का नारा देते हैं ये केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं गाय के नाम पर। और ये जो है ये एक और काम है इनका, अगर कोई आदमी गाय लेके अपने घर भी ले जाए, मैं अपनी रिश्तेदारी में गाय ले के जाऊँ तो मुझे जान से मार देंगे ये, मैं गाय को काटने के लिए ले जा रहा हूँ। इन्होंने इतना भय व्याप्त कर दिया जनता के अंदर, कोई गाय को बेचने के लिए तैयार नहीं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, कोई इनका उद्देश्य नहीं है इस गवर्नमेंट का, केवल गाय के नाम पर वोट और ये सरकार बनाना चाहते हैं। हमारा पशु आप कहते हैं इसकी समस्या अचानक क्यों बढ़ गई पिछले दो तीन साल में ऐसे बढ़ गई साहब? पहले तो इनको यूज करते थे, दूध भी बिकता था इनका, सब कुछ होता था, अभी इनका दूध भी नहीं बिकता है और कोई इनको खरीदता भी नहीं है, आगे से भी हथकाए, इस पर रोक लगी हुई है। अगर जो प्रतिबंध है उसको हटा लिया जाए तो क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? इस समस्या का समाधान हो जाएगा, वो तो जैसे पहले तो चल रहा वो ये आपका समाधान और कहा जाओ व्यवस्था करे गवर्नमेंट का। क्या क्या है पहले गवर्नमेंट ने कहा व्यवस्था, दो साल पहले तो जाएगी कोई ऐसी समस्या आती नहीं, कहा कर रही जाओ दो साल पहले। आप ये कह रहे हैं कि स्लॉटर पे बैन हटना चाहिए, गाय के नाम पे जो गुंडागर्दी करते हैं लोग उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, होना चाहिए, आतंकवाद कर रहे हैं जी गाय के नाम पे। द टीम ऑल्सो स्पोक विद द फैमिली ऑफ व्हिच टू मेंबर्स फेस्ड द रैथ ऑफ एन एंग्री बुल दैट दे वर ट्राइंग टू चेज अवे ऑफ देयर फील्ड। दिस एनकाउंटर रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ वन 14 ईयर ओल्ड दीपू। बेजान ने सब मजारो खेत पे जैसे रीत रीजी सुबह ने टक्कर मार के जट खेत में अगर टक्कर दई बा में सुर गिर दो छाती है सब मई के मई खत्म पायो मन तो गोदम जैसे उठायो काय वो तुम तो कुछ पायो ना छोरा हमें मोए। 9 तारीख को दीपू में टक्कर मारी और मौके पे ही खत्म कर दिया। सीओ महाबनाए, एसओ बलदेवाए, एसडीएम महाबनाई और नायब तहसीलदार महाबन भी आई, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया लेकिन अभी तक कोई अभी हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बाजार चल रहा हुआ हमें और मैं देख लिया जटर को मैं ऊपर रूट पर हूँ, मेरी पांसू टूट रही है मेरी बगल पर खेरी साइड सूदी साइड की पांसू। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कुछ मदद कर दे इलाज फलाज भी। बीजेपी देख ली ये तो किसान विरोधी है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, किसान से इसका पेट नहीं भरेगा, पूंजीपति पेट भरेंगे सरकार का।